हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल आशा सक्सेना। कैसे हैं आप लोग? आज हम आपके सामने एक कटोरी वैक्स किस तरह से करेंगे और कहाँ कहाँ कर सकते हैं, उसका करने का तरीका और उसके बेनिफिट्स आपके सामने लेकर आए हैं। और आप ध्यान से देखिएगा, स्टार्टिंग से एंड तक हमारा वीडियो वॉच करिए जिससे कि अच्छे से समझ में आ जाए। हमने वैक्स के काफी सारे वीडियो पोस्ट किए हुए हैं, आपने देखे होंगे। अलग अलग तरह से अलग अलग वैक्स को हमने एक्सप्लेन किया है। और ये कटोरी वैक्स है, इसका नाम इसलिए कटोरी है कि कटोरी के अंदर ये वैक्स है। सिलिक वैक्स है, सिलिक कंपनी का। और ये इस तरह से इसकी पैकिंग है, ये देखिए। और ये इस कलर में है, और भी कलर में आते हैं, तो यह हम आपको दिखा रहे हैं कि इसको कटोरी वैक्स को हम कटोरी में गरम करके हीट पर रखकर गैस पर भी रख सकते हैं, या फिर हमको वैक्स हीटर में इसको रखना होगा। और वैक्स हीटर ऑन करने के बाद में जब ये पिघल जाएगा वैक्स थोड़ा, जैसा कि और वैक्स हम गुनगुना करते हैं, उसी फॉर्म में आने के बाद में हम इससे वैक्स करेंगे। इसका वैक्स करने का तरीका ये देखिए, ये इस कलर में है, ये भी स्लिक वैक्स है, लेकिन कलर बताते हैं आपको, ये क्रीम बेस में है। इसके साथ ये नाइफ जो है वैक्स लगाने के लिए आता है, और पैकिंग इसकी इस तरह से है। इसका मार्केट में अच्छे से आपको इजीली मिल जाएगी, और बहुत ही इजी वे में हो जाता है, कोई स्ट्रिप नहीं यूज करनी होती है। डायरेक्ट इसको गुनगुना करके हम अप्लाई करेंगे, जैसे अपर लिप पर करेंगे या फॉरहेड पर, या फेस वैक्स कर सकते हैं, या अनवांटेड जो हेयर होते हैं हम उनको भी रिमूव कर सकते हैं। तो इसके रिजल्ट काफी अच्छे हैं और हम सेल्फ कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, आप घर पर अपर लिप करिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे ज्यादा अपर लिप बढ़ते हैं तो छोटे से काम के लिए बार बार हमको पार्लर जाना होता है, तो वो मुश्किल हो जाती है कई बार। इसलिए आप आराम से घर पर इसको किस तरह से यूज करेंगे वो हम बताने जा रहे हैं। इसको वैक्स हीटर में हमने बताया गरम करेंगे, लेकिन अभी हम गैस पर गरम करके इसको लिक्विड फॉर्म में करके पिघल जाएगी, तब फिर हम करके बताएंगे। आप ध्यान से देखिएगा कि कहाँ हमको इसको यूज कैसे करना है, और उसके रिजल्ट आपके सामने है। तो चलिए बताते हैं आपको कि कटोरी वैक्स, जिसका नाम कटोरी में होने के कारण पड़ा है, तो हम किस तरह से अनवांटेड हेयर को रिमूव करेंगे, देखिए। ये देखिए हेयर आपको दिखाई दे रहे होंगे कितने हैं, और हम थोड़े से पोर्शन पर हैंड पर करके बताएंगे आपको, और उसी के अकॉर्डिंग हम अपर लिप, फॉरहेड, पूरे फेस पर भी कर सकते हैं। तो करने का तरीका विशेष तौर से देखिए। सबसे पहले हम टैल्कम पाउडर लगाएंगे। हेयर आपने देखे काफी हैं, और ये वैक्स की पोजीशन देखिए आप, इस तरह से हमने लिक्विड फॉर्म में किया है। इसकी लेयर थिक लगाएंगे हम, जैसा कि आप देखिएगा। आप हेयर को देखिए किस तरह से बड़े अच्छे से रिमूव हो जाएंगे। इस तरह से ये हमने लगाया एक पैच बनाकर, केवल आपको सिखाने के लिए। अब हम देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा टाइट होने लगा है। अपर लिप बहुत अच्छे से हो जाती है, अपर लिप को दोनों साइड से हम अलग अलग डायरेक्शन में लगाएंगे, डायरेक्शन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और ये एक सेकंड बाद ही टाइट हो गया। और इसको हटाने का तरीका देखिए आप, इसको मतलब उसको नीचे लो। हटाने का तरीका ये है कि हम पहले कॉर्नर को स्किन से हटाएंगे,
ये हमने कॉर्नर को स्किन से हटा दिया और अब देखिए आप, ये देखिए ये सारे हेयर आपको दिखाई दे रहे हैं और ये पोर्शन एकदम क्लीन हो गया। ये देखिए सारे हेयर रिमूव हो गए और कटोरी बैग्स के रिजल्ट आपके सामने हैं। अगर हमको बड़े स्पेस में करना है तो छोटे छोटे स्ट्रोक्स लेकर हम करेंगे और गुनगुना वैक्स कटोरी को करके तभी लगाएंगे और वॉश करने के बाद में मॉइस्चराइजर लगाएंगे और खुजाना नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।